प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भाग्य के आज के अंक में हम बात करेंगे मूल नक्षत्र की। अक्सर लोगों के मन में ये धारणा होती है, ये चिंता होती है कि अगर किसी बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो जन्म शुभ नहीं है और मूल नक्षत्र के परिणाम जीवन भर बहुत अशुभ तरीके से बच्चे को मिलते रहते हैं। ये भी लोगों की मान्यता है, लोगों की धारणा है। तो आज हम बात करेंगे कि मूल नक्षत्र होते क्या हैं और इनके पीछे का सच क्या है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि मूल नक्षत्र क्या होते हैं और ज्योतिष में इनका क्या महत्व है। देखिए, जब हम कुंडली की बात करते हैं, ज्योतिष में सटीक व्याख्या की बात करते हैं, सटीक फल की बात करते हैं, तो हमेशा नक्षत्रों पर विचार करते हैं, नव ग्रहों पर, 12 राशियों पर और 27 नक्षत्रों पर विचार किया जाता है। नक्षत्रों के अलग अलग स्वभाव होते हैं और उनके अलग अलग फल भी होते हैं। कुछ नक्षत्र स्वभाव से कोमल होते हैं, कुछ नक्षत्र स्वभाव से कठोर होते हैं और कुछ नक्षत्र स्वभाव से उग्र होते हैं, तेज होते हैं। जो उग्र और तीक्ष्ण स्वभाव वाले, तेज स्वभाव वाले नक्षत्र होते हैं उन्हें हम मूल नक्षत्र कहते हैं और आम बोलचाल की भाषा में इन नक्षत्रों को सत्यसा या गंडांत भी कहा जाता है। जब बालक इन नक्षत्रों में जन्म लेता है तो हम कहते हैं कि बच्चा मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, सत्यसा में पैदा हुआ है या गंडांत में पैदा हुआ है। और जब बालक इन नक्षत्रों में जन्म लेता है तो विशेष तरह के प्रभाव उसके जीवन पर जरूर दिखाई देते हैं और इन नक्षत्रों में जन्म लेने का असर बच्चे के स्वभाव पर और बच्चे के स्वास्थ्य पर सीधे तौर से पड़ता है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि नक्षत्र में जन्म लेना शुभ है या अशुभ है। हाँ, ये बात जरूर है कि अलग अलग नक्षत्रों में जन्म लेने का प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर और आपके स्वभाव पर पड़ेगा। तो मूल नक्षत्र में भी अगर किसी का जन्म होगा तो उसका असर उसके स्वभाव पर और उसके स्वास्थ्य पर जरूर पड़ेगा। अब ये जानते हैं कि मूल नक्षत्र कौन कौन से नक्षत्र होते हैं और उनका प्रभाव क्या है। देखिए, एक तो मूल नाम का स्वयं नक्षत्र है, जिसे मूल नक्षत्र कहते ही हैं। एक तो मूल नक्षत्र स्वयं है, दूसरा है ज्येष्ठा और तीसरा है अश्लेषा। मूल, ज्येष्ठा और अश्लेषा मुख्य मूल नक्षत्र हैं। अश्विनी, रेवती और मघा ये सहायक मूल नक्षत्र हैं। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 6 मूल नक्षत्र हैं, अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा और रेवती, मूल भी है इसमें। जब किसी बालक का जन्म इसमें होता है तो बालक के स्वास्थ्य की जो स्थिति है, हेल्थ की जो स्थिति है, वो सेंसिटिव हो जाती है, संवेदनशील हो जाती है। ऐसा लोग कहते हैं कि जब बालक का जन्म मूल नक्षत्र में हो तो पिता को बच्चे का मुंह नहीं देखना चाहिए जबकि जब तक इसकी शांति ना हो जाए। जबकि देखिए, ऐसा कुछ होता नहीं है। सिर्फ ये है कि केवल नक्षत्रों के आधार पर ही आप सारा निर्णय मत लीजिए, पूरी तरह से कुंडली देखकर ही आप निर्णय कीजिए कि बच्चे के जन्म पर उसके नक्षत्र का कैसा प्रभाव पड़ेगा।
लेकिन ये बात जरूर है कि जब कोई बच्चा मूल नक्षत्रों में पैदा होता है तो उसके स्वास्थ्य का विशेष विचार करना चाहिए, क्योंकि मूल नक्षत्रों में जन्म का प्रभाव बच्चे की सेहत पर पड़ सकता है। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक, नो योर फेट। बाकी बची हुई राशियों के दैनिक राशिफल पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मूल नक्षत्र के बारे में। और अब ये जानते हैं कि अगर बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि बच्चे के स्वास्थ्य की स्थिति क्या है और किस कारण से उसको समस्या हो सकती है, क्योंकि जब भी किसी बच्चे का जन्म गंडांत में होता है या मूल नक्षत्र में होता है, उसके सेहत में दिक्कत आने की संभावना काफी होती है। पिता और माता की कुंडली जरूर देखिए कि उनके ऊपर बच्चे के जन्म का प्रभाव क्या होगा या उनका बच्चे के ऊपर कैसा प्रभाव होगा, इसको भी समझने का प्रयास करिए। अगर बच्चे का बृहस्पति और चंद्रमा मजबूत हैं तो बच्चे के स्वास्थ्य का संकट समाप्त हो जाता है। इसी तरीके से अगर पिता या माता के या परिजनों के ग्रह ठीक हैं तो भी चिंता नहीं करनी चाहिए। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि बच्चे का मुंह देख लेंगे जन्म के बाद, बच्चा मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है तो अशुभ होगा। कोई भी समस्या संस्कारों का खेल है, इसीलिए किसी बच्चे का इसमें कोई दोष नहीं होता। ज्योतिष में एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं बालारिष्ट, बचपन का अरिष्ट। जिन बच्चों का जन्म मूल नक्षत्र में होता है या चंद्रमा की खराब स्थिति में होता है, जन्म से लेके 8 साल तक उनके स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। तो 8 साल तक अगर बच्चे का जीवन ठीक है, बच्चे का स्वास्थ्य ठीक है, तो उसके बाद मूल नक्षत्र का प्रभाव ज्यादा नहीं रहता। हालांकि नक्षत्र का जो असर आपके स्वभाव पर पड़ना है, आपके जीवन पर पड़ना है, वो तो पड़ेगा, लेकिन जो निगेटिव प्रभाव होता है मूल नक्षत्रों का या नकारात्मक नक्षत्रों का, वो जन्म से लेके केवल 8 वर्ष तक ज्यादा रहता है। अब ये जानते हैं कि अगर किसी बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ और आपको दिख रहा है कि इसका बुरा प्रभाव बच्चे के ऊपर या उसके जीवन पर तुरंत पड़ सकता है, तो क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, जन्म के 27 दिन के बाद वही नक्षत्र दोबारा लौटकर आ जाता है, तो 27 दिन के बाद जब वो नक्षत्र लौटकर आए तो उसकी शांति करा लेनी चाहिए। बच्चा जब तक 8 साल का नहीं हो जाता तब तक रोज सवेरे माता को, पिता को या दोनों को मिल करके ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए उसके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए। अगर उम्र 8 साल से ज्यादा हो गई हो बच्चे की, बच्चा 9 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, भले ही वो मूल नक्षत्र में पैदा हो गया, तो उसके शांति की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ज्यादातर जो संकट होता है वो आम तौर पर 8 साल तक रहता है। अगर मूल नक्षत्र की वजह से बच्चे का स्वास्थ्य कमजोर रहता हो तो बच्चे की माता को पूर्णिमा का उपवास रख करके अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मूल नक्षत्र का अगर बुरा असर बच्चे के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है और उसके माता पिता में से कोई भी बच्चे के मूल नक्षत्र की शांति करवा देता है और उसके लिए भगवान शिव की पूजा करता है, तो बच्चे की सुरक्षा बहुत हद तक हो जाती है। अब जान लेते हैं कि आज के दिन में सफलता पाने का अचूक उपाय क्या है।
आज सुबह के समय भगवान गणेश को थोड़ी सी दूर्वा, थोड़ी सी दूब घास अर्पित करिएगा और घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा लेकर के अपने पास रख लीजिएगा। जिस भी काम के लिए जाएंगे, जो भी काम आज दिन भर में करेंगे, उस काम में आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आज के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।